हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 8, नॉवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। अब देखिए, जो नॉवल है ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर है और ये बॉर्न हुआ, मतलब ये पैदा हुआ, मतलब नॉवेल्स का लिखा जाना, पढ़ा जाना, ये स्टार्ट तब हुआ जब प्रिंट कल्चर की स्टार्टिंग हुई। प्रिंट कल्चर के बारे में हमने 7th चैप्टर में देखा था इस बुक के। अब देखिए, मैकेनिकल प्रेसेस बनने लगी तो बहुत ही इजीली और बहुत ही चीपली अब चीज़ों को प्रिंट किया जा सकता था, तो नॉवेल्स भी आसानी से प्रिंट हो सकती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखी जाने लगी और प्रिंट होने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, नॉवेल्स लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी, तो इनकी रीडरशिप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा लोग नॉवेल्स को पढ़ने लगे। और क्या हुआ कि जो रीडर्स हैं वो खुद को फिक्शन से, फिक्शंस का मतलब होता है जैसे कि अपने मर्जी से, कोई नॉर्मल सी कहानी होती है ना जो जिसमें कोई सच्चाई, जो किसी सच्ची घटना से प्रेरित ना हो और अपने मन से राइटर लिखता है, वो होती है फिक्शियस नॉवल। तो जो उस नॉवल के करेक्टर्स होते थे लोग उसमें खो जाया करते थे, जैसे कि इश्यूज होते थे नॉवल्स के, लव, मैरिज, प्रॉपर कंडक्ट फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब किस तरीके से लाइफ चलनी चाहिए, लोगों की कहानी नॉवल्स में लिखी जाती थी, तो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी ये सबको। तो फिर अब नॉवेल्स क्या कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से ये पसंद आने लगी, पहले क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, वो चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ती थी, प्रिंट से नॉवेल्स छपने लगी तो सस्ती पड़ने लगी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी जाने लगा। तो नॉवेल्स जो हैं वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस में। नॉवेल्स जो हैं 17th सेंचुरी से लिखी जाने लगी थी, मगर जो ये अच्छे से फ्लरिश हुई और आगे बढ़ी वो था इनका स्टार्ट 18th सेंचुरी में। लोअर मिडिल क्लास का जो ग्रुप था, जैसे कि शॉपकीपर्स, क्लर्क और ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट्स, मतलब जो ट्रेडिशनली मतलब आम तौर पर जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनका तो ग्रुप था ही जो पढ़ता था नॉवेल्स, मगर एरिस्टोक्रेट्स का अब क्या, मिडिल क्लास पीपल, लोअर मिडिल क्लास पीपल भी इसको पढ़ने लगे थे। जेंटलमैनली क्लास वही होती है जो, मतलब वो कहते हैं ना कि खानदानी अमीर हैं, वो होते हैं जेंटलमैनली क्लास। तो इंग्लैंड और फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा जो है नॉवेल्स पढ़ी जाने लगी और काफ़ी ज़्यादा इनका फैलाव हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जाने लगी, तो इनका मार्केट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। अब पढ़ी ज़्यादा जाने लगी तो इसमें प्रॉफिट भी होने लगा जो इसको छापते थे, तो रीडरशिप जैसे एक्सपेंड हुई तो इसमें मार्केट भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। पुराने समय में क्या होता था, जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो नॉवेल्स ख़रीद नहीं पाते थे क्योंकि नॉवेल्स काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगी हुआ करती थी, मगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो है प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा सस्ती होने लगी। मिड 18th सेंचुरी तक आते आते जो है सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वजूद में आने लगी थी। तो क्या होता था, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज़ में आप लाइब्रेरी के मेंबर बन जाइए और कुछ मेंबरशिप फ़ीस होती थी, फिर आपको जो नॉवल पढ़नी है आप उसे लेकर के जा सकते हैं, फिर रिटर्न कर दीजिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा था। अब ऑथर्स जैसे कि हेनरी फील्डिंग और वॉल्टर स्कॉट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, ऑथर्स जैसे कि हमने देखा हेनरी फील्डिंग, वॉल्टर स्कॉट काफ़ी पॉपुलर होने लगे थे, और जो फ्रांस के जो पब्लिशर्स थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, किस तरीके से, नॉवेल्स को दे करके लोगों को एक एक घंटे के लिए, फॉर आर्ट्स, कुछ कुछ घंटों के लिए नॉवेल्स को वो दिया करते थे, कुछ फीस, कुछ पैसे लिया करते थे, इस तरीके से उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नॉवल हुआ करती थी। वॉल्टर स्कॉट की अगर हम बात करें तो उनके पॉपुलर स्कॉटिश बैलेड्स हुआ करते थे, मतलब जैसे कि लोकगीत, लोक कथाएँ इस टाइप से, और काफ़ी हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड भी नॉवेल्स वो लिखा करते थे। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी थी पैमेला, ये एक ऐसी स्टोरी थी, एक एपिस्टोलरी नॉवल थी। देखिए, एपिस्टोलरी नॉवल ये होती है यहाँ पे, रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर। तो एपिस्टोलरी जो नॉवल होती है वो लेटर्स की फॉर्म में लिखी जाती है, पत्रों के फॉर्म में। इसमें क्या था, पैमेला एक मतलब एक लेडी थी, वो जो लेटर्स लिखा करती थी ना अपने दो लवर्स के बीच में, जो लेटर्स एक्सचेंज होते थे उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। फिर चार्ल्स डिकन की एक पिकविक पेपर्स थी, जो एक सीरियलाइज्ड मैगज़ीन थी, मतलब सीरियल
जैसे सीरियल आते हैं ना हमारी, आज एक एपिसोड आएगा फिर नेक्स्ट, इस टाइप की जो है मैगजीन निकल के आई थी और वो लिखी थी चार्ल्स डिकेन ने, नाम था पिकविक पेपर। देखिए एग्जाम में जो आपके वन वर्ड वाले आते हैं, सॉरी वन मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि वॉल्टर स्कॉट ने कौन सी नॉवल लिखी, या उसका क्या था, तो उसके पॉपुलर स्कॉटिश बैलेड्स थे। सैमुअल रिचर्डसन ने कौन सी नॉवल लिखी, पमेला लिखी, और चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी लिखी, पिकविक पेपर्स। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से, मतलब किस कौन सी नॉवल किसने लिखी है। अब देखिए नॉवेल्स क्या होता था, पहले काफ़ी महंगी होती थी, फिर धीरे धीरे सस्ती होने लगी तो पुअर लोग भी पढ़ने लगे और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। सीरियलाइज नॉवेल्स, चार्ल्स डिकेंस, पिकविक वगैरह, ये वाला हमने पूरा देख लिया। सॉरी मैं वो थोड़ा सा हैंग हो गया था तो स्क्रॉल नहीं कर रही थी हो पा रहा था, तो अब देखते हैं वो वाला मैंने आपको बता दिया पूरा। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ये पिकविक पेपर सीरियलाइज मैगजीन। वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप अपनी वैसे अगर चाहें तो बुक खोल सकते हैं साइड में, बाकी है ही इसमें तो स्क्रीन पे आ रहा है। तो देखिए द वर्ड ऑफ नॉवेल्स, अब ये वाला जो पार्ट है, 19th सेंचुरी में एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ बन गई थी नॉवेल्स में जो लिखी जाती थी, मतलब लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उस पर क्या है नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा लिखी जाने लगी। यूरोप में इंडस्ट्रियल एज आ गई थी, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी गई। चार्ल्स डिकन ने लिखा टेरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। टेरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लोगों को काफ़ी अंडर पेड होते हैं, काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, उन लोगों की सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और उनकी जो नॉवेल्स थी हार्ड टाइम्स 1854 में और ऑलिवर ट्विस्ट, इसमें उन्होंने टेरेबल कंडीशंस ऑफ अर्बन लाइफ, जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशंस हैं शहरों में, उनके बारे में बात की गई है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, उसमें सिर्फ मुनाफा कमाने की जो कोशिश की जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वर्कर्स की कैसी कंडीशन है, कितनी ख़राब कंडीशंस में वो काम कर रहे होंगे, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसके बारे में नॉवेल्स में काफ़ी ज़्यादा लिखा जाने लगा। फिर एमिली जोला जोमियल, ये काफ़ी ज़्यादा चार्ल्स डिकन ने इस चीज़ों को हाईलाइट किया था हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट में। फिर एमिली जोला जोमियल 1885 के टाइम पे इनकी नॉवल आई थी, ये एक जो नॉवल थी ये बेस थी एक माइनर, मतलब जो माइन में काम करने वाले लोग थे, फ्रांस में पूरा बेसिस है इसका, किस तरीके से ग्रिम कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में माइंस में रहने वाले लोग जो है वो काम करते हैं। देखिए जोला जर्मियल ने इस बारे में जो है नॉवल लिखी थी कि किस तरीके से इतनी हार्श और ख़राब कंडीशंस होती हैं जो उसमें माइंस में लोग काम करते हैं उनकी। अब आता है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब देखिए 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हार्डी, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा ट्रेडिशनल रूरल कम्युनिटीज़ ऑफ इंग्लैंड के बारे में, जो किस तरीके से फास्ट वैनिशिंग, बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। रूरल कम्युनिटीज़, गांव में रहने वाले लोग ट्रेडिशनली जो पहले गांव में रहते थे, किस तरीके से वो कम्युनिटीज़ ख़त्म होती जा रही थी इंग्लैंड में, इसके बारे में थॉमस हार्डी ने काफ़ी ज़्यादा लिखा था। इन्होंने लिखा था द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो इनकी नॉवल थी उसमें एक सक्सेसफुल, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से काम करने वाला सक्सेसफुल जो था ग्रिम मर्चेंट था, वो मेयर बन जाता है फार्मिंग टाउन ऑफ कैस्टरबर्ग का। तो वो जो था मेयर जो बन जाता है, ये जिसका जो सेंट्रल थीम है इस नॉवल की, वो जो बंदा था जिसके ऊपर लिखी गई थी, मतलब वैसे तो फिक्शियस था, खुद बनाया हुआ था, तो वो किस तरीके से बहुत अच्छा भी हो जाता था लोगों के साथ और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल, बहुत ज़्यादा बुरा भी हो जाता था। नॉवेल्स जो थी वो वर्नैक्युलर, मतलब लोगों की जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती हैं उनमें लिखी जाती थी, काफ़ी ज़्यादा लिखी जाने लगी थी। फिर अब क्या हुआ, लोगों का जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा हो गया, कॉमन लैंग्वेज में लिखी जाने लगी, लोगों को जल्दी समझ में भी आने लगी। अब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स नॉवल लिखी जाती थी, जो देश के बारे में भी होती थी, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम, जैसे कि एक वर्किंग क्लास के बारे में, या वुमेन के बारे में, या किसी गर्ल के बारे में, लवर्स के बारे में, तो इस तरीके से काफ़ी डाइवर्स जो हैं नॉवेल्स हो चुकी थी। और वर्नैक्युलर लैंग्वेज, फिर क्लासिकल लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेजेस में भी नॉवेल्स जो हैं लिखी जाती थी। अब अगर हम लोग देखें नॉवेल्स फॉर वुमेन के बारे में, तो
विमेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी गई। अब विमेन ऑथर्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई जो नॉवेल्स लिखती थी, जैसे जेन्स ऑस्टिन थी, उनकी नॉवेल थी प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इस नॉवेल में जो है ये हमें, देखिए ये हमें बताया गया है जो है यंग गर्ल रीड कर रही है और किस तरीके से अगर विमेन लिखेंगी तो उनकी फैमिली की हालत क्या होगी, ये सारे काफ़ी सारे फियर्स थे कि ऐसा हो जाएगा अगर विमेन्स सॉरी जो लिखना स्टार्ट कर देंगी तो अपनी फैमिलीज पे ध्यान देना वो बंद कर देंगी, ऐसी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाने लगी थी। अब जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो थी एक नॉवल, वो बताती थी कि किस तरीके से विमेन औरतें जो होती हैं रूरल सोसाइटी में 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन में, वो कैसे ये चाहती हैं, वो सोसाइटी उनको एनकरेज करती है कि वो अपने लिए मतलब ढूंढे ऐसी वेल्दी अमीर हस्बैंड्स को वो अपने लिए ढूंढे। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है जेन ऑस्टिन की, इसमें इस तरीके का प्लॉट है कि जो वुमेन हैं वो ये चाहती हैं उनके जो हस्बैंड हों वो काफ़ी ज़्यादा रिच हों, वेल्दी हों और एक अच्छी मैरिज लाइफ के बारे में वो सोचती हैं। फिर चार्लट ब्रॉन्ट जो थी जेन एरी, उन्होंने जो पब्लिश की थी उसमें इस तरीके से वुमेन को दिखाया गया था जैसे कि वो इंडिपेंडेंट हो, अपने पे ही डिपेंड, किसी और पे डिपेंड ना करे, वो एसर्टिव हो और काफ़ी सारी मतलब जो है वुमेन में एक गर्ल में ट्रेट होनी चाहिए, उनके टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी थोड़ी, जैसे कि गर्ल्स जो थी उस टाइम में चुप रहना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, मगर इन्होंने चार्लोट ब्रॉन जेन ये जो थी जेन आयरगी चार्लोट ब्रॉन्ट, इसमें काफ़ी ऐसा दिखाया गया है कि जो है गर्ल्स को सिर्फ ओबीडियंट और यही नहीं होना चाहिए, एक एजर्टिव वुमेन, अपनी बात रखने वाली वुमेन जो है वो होनी चाहिए, और हिपोक्रेसी के बारे में हमारी सोसाइटी किस तरीके से दकियानूसी होती है और अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और वाली सोच रखने वाली सोसाइटी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। जॉर्ज एलियट जो था वो एक पेन नेम था, मतलब मैरी एन एवंस एक थी ऑथर, मगर वो जब कुछ भी लिखा करती थी तो वो एक पेन नेम था उनका जॉर्ज एलियट, उनके नाम से वो चीज़ों को लिखा करती थी। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वेमेन के लिए नॉवेल्स लिखी थी। अब बात आती है नॉवेल्स फॉर द यंग, यंग लोगों के लिए नॉवेल्स। अब यंग लोगों के लिए जो नॉवेल्स थी अगर मेन की बात करें हम तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, असर्टिव, इंडिपेंडेंट और डेयरिंग, मतलब एक मेन को कैसा होना चाहिए, एक बॉय को कैसा होना चाहिए, जैसे वो ग्रो करता जाता है उसे पावरफुल, काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, असर्टिव, अपनी बात को रखने वाला, इंडिपेंडेंट, अपनी मन मर्जी से काम करने वाला, डेयरिंग, जो लड़ता पिटता रहे या कुछ भी आप ऐसे कह सकते हैं। इस तरीके की जो नॉवेल्स हैं वो लिखी जाने लगी, एडवेंचरस नॉवेल्स, लव स्टोरीज लिखी जाने लगी, काफ़ी ज़्यादा जो यंग लोगों में पॉपुलर हुआ करती थी। ज़्यादातर नॉवेल्स तो एडवेंचर से भरी हुई होती थी जो लोगों को पसंद आती थी। कुछ नॉवेल्स जो अलग सेटअप रहा जिनका, जैसे कि आरल स्टीवन की, आरल स्टीवनसंस जो हैं ऑथर, उनकी नॉवेल ट्रेजर आइलैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बुक का नाम और ऑथर का नाम याद कर लें, 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और जे ए हेंटी की हिस्टोरिकल एडवेंचरस एडवेंचर की जो नॉवेल्स होती थी वो बॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लव स्टोरीज भी लिखी जा, अब ये तो बॉयज़ की बात होगी, उन्हें तो इंडिपेंडेंट, डेयरिंग, असर्टिव, पावरफुल, इस टाइप की नॉवेल्स पसंद थी। जो एडोलसेंट गर्ल्स, देखिए एडोलसेंट एज होती है 11 to 19 आप मान लीजिए, तो उन गर्ल्स के लिए जो बिल्कुल एकदम यंग होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लव स्टोरीज़ जो हैं उनके बीच में पॉपुलर हुई, जिसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा जैसे कि रमोना, हेलेन, हडसन जैक्सन और सीरीज़ व्हाट केटी डिड, ये इस टाइप की सीरीज़ जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुई, व्हाट केटी डिड बाय सारा चौसी वुलसे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा, और हाँ इन्होंने पेन नेम इनका था सारा जो थी सुजन कॉलिक, तो काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी गई बच्चों के लिए भी, यंग लोगों के लिए, और गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को लव स्टोरीज पसंद आती थी और बॉयज़ को थोड़ी एजर्टिव सी, पावरफुल, इंडिपेंडेंट टाइप की नॉवेल्स पसंद आती थी। अब आता है कोलोनियलिज्म एंड आफ्टर। कोलोनियलिज्म मतलब हमारा देश भी जैसे कि ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, उपनिवेश था हमारा देश, उसका शासन था हमारे देश पर, तो
नॉवेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई, काफ़ी ज़्यादा फैली यूरोप में। और जिस टाइम यूरोप जो है, यूरोप के देश पूरे दुनिया के देशों को कोलोनाइज़ कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, तो जो कोलोनियलिज्म का असर था, जो कोलोनिज्म की विचारधारा थी, वो काफ़ी ज़्यादा राइटिंग्स में, नॉवेल्स में भी हमें दिखाई दी। जैसे कि जेनियल डेफो और जोसेफ कॉन्राड, इन सब की नॉवेल्स में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि किस तरीके से इन्होंने कोलोनियलिज्म का सपोर्ट किया है या फिर कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया है। ज़्यादातर टाइम ज़्यादातर जो राइटर्स थे वो ये सोचते थे या ये दिखाते थे कि कोलोनियलिज्म तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे लोगों को सिविलाइज करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा अनसिविलाइज हैं। जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, जंगलियों की तरह रहते हैं, उनको सुधारना ज़रूरी है, ऐसा काफ़ी सारे राइटर्स जो हैं वो माना करते थे। अब वो तो वही जाने वो कैसे मानते होंगे। तो वो प्रिमिटिव मतलब पुराने ख्यालों के, बारबेरिक मतलब बिल्कुल जंगली टाइप के, ऐसा वो समझते थे। अब जैसे कॉलोनियल रूल जो है, ये लोग कहते थे कि बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन रेस है, हम यूरोपियंस बड़े वो हैं, सिविलाइज हैं, तो हमारा रो काम है बाकी सबको सिविलाइज करना। इस तरीके की नॉवेल्स लिखी गई। लेट 20th सेंचुरी में राइटर्स जैसे कि जोसेफ कॉन्राड रोट नॉवेल्स जिसने डार्कर साइड ऑफ कॉलोनियल रूल को दिखाया। इससे पहले तो ग्लोरीफाई करते थे, तो डार्कर साइड किसने दिखाया? जोसेफ कॉन्राड ने, कि भाई ख़राब चीज़ है, ये भी दिखाया। 19th सेंचुरी में क्या था, जो नॉवलिस्ट थे जैसे कि रेनॉल्ड्स, एफ मैरिटन, क्रॉफोर्ड, मैरी कॉरली, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर थे। कॉलोनियल इंडिया का वाला जो टाइम था उसमें लिखा करते थे। रोनाल्ड्स पिकविक एब्रॉड वाज मोर पॉपुलर इन इंडिया देन डिकेंस ओरिजिनल पिकविक पेपर्स। तो हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी गई जिसमें जो है बताया गया कि भाई बिल्कुल सही है जो कॉलोनियलिज्म चल रहा है। अब जैसे कि रॉबिन्सन क्रूजो की जो नॉवल थी वो एक एडवेंचरर और वो स्लेव ट्रेडर थे। इसमें क्या था, वो एक आइलैंड पे जाते हैं और किसी को बचाते हैं उसमें, किसी को वहाँ के स्लेव को, और ख़ुद को मतलब उसका मास्टर बना लेते हैं उस स्लेव का। उसको उससे नाम भी नहीं पूछते और अपनी मर्ज़ी से उसको नाम दे देते हैं फ्राइडे, और उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जिसको उसने स्लेव बनाया है वो ह्यूमन है। इन ऐसे उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये तो कोई मटेरियल है। तो इस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करते हुए कि कितनी ख़राब हालत थी उस समय दुनिया की, और स्लेव ट्रेड काफ़ी हुआ करता था। तो वो सब भी नॉवल में जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई हैं। अब आती है नॉवल कम्स टू इंडिया। इंडिया में नॉवल्स आई, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि इंडिया में आप रहते हैं तो इंडिया की चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। अभी तक तो हमने यूरोप का देखा था। तो स्टोरीज इन प्रोज वर, जो स्टोरीज थी वो लिखा जाना कोई बहुत नई बात तो थी नहीं। इंडिया में बहुत पुराने समय से स्टोरीज लिखी जाती थी, जैसे कि बाणभट्ट की कादंबरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाणभट्ट की कादंबरी जो संस्कृत में लिखी गई थी 7th सेंचुरी में, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र जो हम बचपन में पढ़ते थे, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र 3rd सेंचुरी में लिखी गई थी और काफ़ी प्यारी प्यारी ये स्टोरी हुआ करती थी। मॉडर्न नॉवल जो है वो डेवलप हुई 19th सेंचुरी में, जैसे कि यूरोप में हुई थी 16th 17th में, इंडिया में वहीं से आई तो थोड़ा लेट 19th सेंचुरी में आए। वेस्टर्न कल्चर, जैसे वेस्टर्न नॉवल्स लिखी जाती थी उसी कुछ लाइन पर इंडिया में भी नॉवल्स लिखे जाने लगी। तो डेवलपमेंट जो था वर्नैक्युलर, वर्नैक्युलर का मतलब हमने पढ़ा था लोकल लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो होता है, वर्नैक्युलर लिटरेचर जो है जैसे ही पढ़ा तो उससे क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स को, किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कुछ अर्लीस्ट नॉवल काफ़ी जो स्टार्टिंग में लिखी गई नॉवेल्स वो लिखी गई बंगाली में, मराठी में। मराठी की अर्लीस्ट नॉवल थी जैसे कि बाबा पद्माजीज यमुना पर्यटन 1857 में आई, और फिर लक्ष्मण मोरेश्वर मालवीय की मुक्तामाला 1861 में आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। अब जैसे ये वाली आप लर्न कर सकते हैं, बंगाली और मराठी में आई थी अर्लीस्ट नॉवेल्स इंडिया में। और अगर हम मराठी की बात करें तो बाबा पद्माजीस यमुना पर्यटन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, वहाँ से आई थी, फिर उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो है वो फॉलो हुआ, फिर ट्रांसलेशन किया गया, काफ़ी सारी पॉपुलर जो वेस्ट में पॉपुलर नॉवेल्स थी उनका हमारी लोकल लैंग्वेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेट उनको किया भी जाने लगा था।
अब आती है नॉवेल्स इन साउथ इंडिया। ये हमने मराठी और बंगाली के बारे में बात कर ली। साउथ इंडिया की नॉवेल्स जो थी, इसमें कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो है नॉवेल्स स्टार्ट हो गई थी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी जानी। ओ चंदू मेनन ने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश नॉवेल, जिसका नाम था हेनरिटा टेम्पल, जो बेंजामिन डिजरेली ने लिखी थी। तो इसको ओ चंदू मेनन ने ट्रांसलेट कर दिया था मलयालम में। फिर लेटर उन्होंने अपनी खुद की नॉवल लिखी इंदुलेखा, जो 1889 में पब्लिश हुई। इंदुलेखा किसने लिखी थी? ओ चंदू मेनन ने। फिर क्या हुआ, फिर काफ़ी और भी ऑथर जैसे कि कंदुकुरी वीर सलिंगम, और इन्होंने भी ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया ऑलिवर गोल्ड स्मिथ विकर ऑफ वेकफील्ड को तेलुगु में। बट फिर उन्होंने अपना जो है प्लान चेंज कर दिया और उन्होंने अपनी नॉवल लिखी, ओरिजिनल नॉवल राज केशरा किरितामु उन्होंने लिखी। फिर आता है नॉवेल्स इन हिंदी। अब भारतेंदु हरीश्चंद्र जो है पायनियर थे, जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा जो है पोएट मतलब लिखी, और उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि एक सर्कल बनाया जाए पोएट्स का, राइटर्स का, ताकि ट्रांसलेट किया जाए नॉवेल्स को दूसरी लैंग्वेजेस में भी। तो काफ़ी बंगाली इंग्लिश नॉवेल्स जो हैं वो ट्रांसलेट की गई और अडेप्ट की गई हिंदी लैंग्वेज में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ भारतेंदु हरीशचंद्र। तो इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा नॉवेल्स को ट्रांसलेट करने में। तो श्री और आगे श्रीनिवास दास नॉवल परीक्षा गुरु, जो 1882 में पब्लिश की थी, उसने रिफ्लेक्ट किया था इनर और आउटर वर्ल्ड ऑफ जो मिडिल क्लास बढ़ रहा था ना आगे, उसको परीक्षा गुरु जो नॉवल थी श्रीनिवास दास की, उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट किया था जो मिडिल क्लास किस तरीके से आगे बढ़ रही है और क्या क्या चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और राइटिंग जैसे कि देवकी नंदन खत्री ने नॉवल रीडिंग पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था हिंदी में, और उनकी बेस्ट सेलर जो थी वो थी देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता। इस पे शो भी आता था, देवकी नंदन खत्री की जो नॉवल थी चंद्रकांता, ये एक रोमांस, डेजलिंग एलिमेंट्स, फैंटेसी और इन सब के बारे में थी है। और इसने काफ़ी ज़्यादा इमेंसली कंट्रीब्यूट किया था हिंदी लैंग्वेज और नागरी स्क्रिप्ट को, मतलब जो लोग पढ़ पाते थे उन्होंने ये नॉवल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी। इस पर इसका शो भी आता था, एक चंद्रकांता जो देवकी नंदन खत्री ने लिखी थी, इस पर आता था शो पहले। हाँ, फिर आगे प्रेमचंद ने भी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं हिंदी में, और उन्होंने उर्दू में भी लिखा था, फिर हिंदी में भी उन्होंने लिखा है काफ़ी ज़्यादा। और भी नॉवेल्स जैसे कि मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट हिज नॉवल सेवा सदन पब्लिश्ड इन 1916 लिफ्टेड द हिंदी नॉवल फ्रॉम द रेलम ऑफ फैंटेसी टू द सीरियस रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड सोशल इश्यूज़। तो देखिए प्रेमचंद की नॉवल जो है सेवा सदन, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग 10th के बोर्ड्स के बाद ना आप सेवा सदन नॉवल पढ़िएगा, बहुत ही प्यारी नॉवल है, मेरी फेवरेट नॉवल है वो, बहुत अच्छी है। इसमें अब मैं इतना बता नहीं सकती, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके कोर्स के लिए अभी, बट काफ़ी अच्छी नॉवल है। इस नॉवल को मानते हैं कि जो पहले सिर्फ फैंटसीज और ये ऐसा होगा ड्रीम्स वाली नॉवल लिखी जाती थी, तो प्रेमचंद ने सोसाइटी के बारे में नॉवल लिखी कि हमारे देश में हमारे समाज में क्या चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने नॉवल्स लिखी। और भी काफ़ी सारी नॉवल्स जो हैं प्रेमचंद ने लिखी थी, जैसे कि उनकी रंगभूमि, गोदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, मतलब सारी सारी नॉवेल्स मैंने ऑलमोस्ट इनकी सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बड़ी प्यारी नॉवेल्स हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगी सेवा सदन पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिले तो। हाँ, तो नॉवेल्स जो हैं अब देखते हैं बंगाली में, बंगाली में कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी गई और क्या हुआ। 19th सेंचुरी में बंगाल में दो टाइप्स की नॉवेल्स जो हैं वो लिखी गई, पहली तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हिस्ट्री में इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में, दूसरी कंटेम्पररी जो उस टाइम पर चल रहे थे वो। फिर कबीर की लायरी, मतलब कबीर ने जो पोएम्स लिखी थी उनको लिखा गया, और म्यूज़िकल जो म्यूज़िक्स काफ़ी ज़्यादा, डांस परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा गया। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी जो नॉवल थी, ये पहली नॉवल थी बंगाली की जिसको मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सराहा गया था। फिर आनंद मठ आई थी, ये इंस्पिरेशन बनी थी नेशनल मूवमेंट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आनंद मठ, बंगाली नॉवल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, दुर्गेश नंदिनी लिखी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दोनों नॉवेल्स, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ, आनंद मठ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो
तो बंगाल में दो चला, एक तो हिस्टोरिकल इवेंट्स पे लिखी गए और काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर कल्चर कंटेम्पररी सेटिंग्स, मतलब जो उस समय चल रहा है उस सेटिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स जो हैं वो लिखी गई थी। अब आगे आता है इसमें असम और उड़ीसा के में भी काफ़ी नॉवेल्स लिखी गई थी, जैसे कि फर्स्ट नॉवल इन असम जो है वॉज अ ट्रांसलेशन ऑफ बंगाली नॉवल बाय मिशनरीज़ फुलमोनी करुणा, तो इसको ट्रांसलेट किया गया था बंगाली से। फिर राजानी कांता बारदोली की फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल थी मनुमती, ये भी लिखी गई थी। फिर उड़िया नॉवल थी सौदामनी जो रामशंकर रे ने लिखी थी। चा माता अत्ता गुंथा, ये फ़कीर मोहन सेनापति, ये काफ़ी मतलब फेमस थी। बट आप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं बताऊंगी कि आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी है, और सेवा सदन जो कि प्रेमचंद ने लिखी थी। तो ये वाला हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है, हम जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।